हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अश्मीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। अच्छी लगी ना गाइज वीडियो? तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो सीखनी है तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। सो हेलो गाइज, अगर आपको उस तरह की वीडियो एडिट करनी है तो सबसे पहले आपको कैपकट ऐप पे जाना पड़ेगा, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने तीन क्लिप बनाई थी, तीन क्लिप फॉर्म बनाई थी, तो मैं अपनी तीन क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1, 2, 3। ठीक है, ये तीन क्लिप मेरी आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी वॉल्यूम एकदम साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, सबका वॉल्यूम हम डाउन कर देते हैं। हो गया। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए मैंने किस तरह बनाई हुई है। ठीक है, पहली मैंने जैसे ऐसे कट किया, ठीक है, स्ट्रेट कट किया, उसके बाद मैंने ऐसे किया। ठीक है, फिर ऐसी दूसरी मेरी वीडियो आ जाएगी इस टाइप में। ठीक है, इस तरह की आपको वीडियो बना लेनी है, दूसरी क्लिप इस तरह बना लेनी है, और तीसरी क्लिप आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने इस तरह किया वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले स्मूथ बनाने के लिए, वीडियो स्मूथ बनाने के लिए पहले हम लोग जैसे मैंने ऐसे किया भाई, इतना ही मुझे इतने ही क्लिप चाहिए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इतना वीडियो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद आप इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मुझे दूसरी क्लिप और हल्की सी स्मूथ करने के लिए ऐसे इतना चाहिए मुझे, जैसे देखिए ये तो स्मूथ हो गया, अब इतनी क्लिप चाहिए बस मुझे। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है गाइस, अब हम लोग को यहाँ पर फायर वाली वीडियो लगानी है, जब मेरा हाथ ऊपर जाता है तो यहाँ पर मुझे फायर वाली वीडियो लगानी है, वो मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उस पर आप जाके वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा हाथ ऊपर जाता है तो यहाँ पर मुझे फायर वाली वीडियो लगानी है, तो यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन आ रहा होगा, ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर फायर वाली वीडियो हम लोग जो डाउनलोड किए हुए हैं उसको वो ले लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्प्लैश का ऑप्शन आ रहा होगा, स्प्लैश पे क्लिक करेंगे, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए अब मेरा बैकग्राउंड चला गया है। ठीक है, इस पर ओके कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको बड़ी कर देंगे। ठीक है, ऐसे बड़ी कर देंगे ड्रैग करके, और फिर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए अपने हाथ की सिधाई पर ले जाएंगे एकदम। ठीक है, हल्का सा दिखाएंगे बस। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे ऊपर ले गए, यहाँ पर आपको की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा प्लस आइकन का, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही मेरा हाथ नीचे आया, ऐसे नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर फिर की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा प्लस आइकन का, सारा हम लोग का जो भी जितनी वीडियो हम लोग ये बना रहे हैं इस पर इफेक्ट बना कर रहे हैं वो सारी की फ्रेम के ऊपर है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरा हाथ नीचे आता है, ऐसे नीचे आया, उसके बाद प्लस आइकन का आ रहा होगा की फ्रेम में, उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम लोग ये जो फायर वाली जो मेरी ये है इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, अपनी सिधाई से लाएंगे जहाँ से मेरा हाथ आया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो देखिए आप आई। ठीक है, तो अब इतना तो मेरा हम लोग का काम हो चुका है, ये देखो। ठीक है, इतना हो चुका है। हम लोग को ये करना है कि जैसे ही मेरा हाथ नीचे जाता है और फिर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस वाली वीडियो पे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट पे कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग की ये वाली दूसरी वाली वीडियो अलग हो जाएगी, ये वाली वीडियो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब फिर इसी वाली फायर वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डुप्लीकेट भी कहते हैं, तो कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, कॉपी का यहाँ कॉपी वीडियो हो जाएगी, फिर इसको हम लोग ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, इसको जस्ट नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसी के जस्ट हम लोग नीचे ले आएंगे, ये यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, इतना लाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जैसे हम लोग इतना ऐसे हाथ में आएंगे, जैसे मेरा ये हाथ आया ना ऐसे, इस फिर नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और वाली वीडियो डिलीट कर देंगे, जो पहली वाली स्प्लिट किए थे वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की मोटी वीडियो जो फायर वाली जो लाइनिंग आती है वो मोटी हो जाती है, इसीलिए वो हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहली वाली वीडियो पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अपना हाथ पहली वाली वीडियो में जो मैं ऐसे करता हूँ, ये वाली, यहाँ पर हम लोग पहली वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ की फ्रेम का ऑप्शन होगा, की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे मेरा हाथ दूसरी वाली वीडियो में जैसे मेरा हाथ पूरा उधर चला जाता है, और जैसे की फ्रेम में प्लस का आइकन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और ये इसको हम लोग लेफ्ट में ले जाएंगे, ऐसे पूरी वीडियो पूरा जो फायर वाली है पूरी इसको लेफ्ट में ले जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद जैसे हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है,
नीचे आए, नीचे वाली वीडियो पे क्लिक किया फायर वाली पे, जैसे ऊपर वाली जो की फ्रेम है उस पर, जैसे ऊपर वाली की फ्रेम के एकदम मिडिल पे ही जाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, उसी के मिडिल पे ही हम लोग को चाहिए हम लोग को, क्योंकि उस मिडिल पे रहेगा तो एकदम बराबर से लाइनिंग बैठेगी। हाँ, तो उसकी नीचे गए, उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम लगाया, ठीक है, उसके बाद आगे गए और उसी के मिडिल पे, ये मिडिल हुआ, ऊपर वाले की फ्रेम के मिडिल के से ही नीचे जाएंगे और यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, और इसको जैसे उसको पहले वाले लेफ्ट में लेके गए थे, इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे, ठीक है पूरा, ठीक है। इससे क्या होगा कि पूरी वीडियो हम लोग की लाइनिंग होगी, ये देखो जैसे ऐसी लाइनिंग है, ये बराबर जा रही है, ठीक है ना, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखो आप मेरी वीडियो है ना, हुई ना, ठीक है, अब ऐसे बन गया हमारी वीडियो, ठीक है। अब हम लोग को जितनी क्लिप चाहिए उतनी क्लिप हम लोग ले लेंगे। अब मुझे इतनी क्लिप चाहिए मान लो, तो इतनी क्लिप मैंने ले लिया है, ऊपर वाली क्लिप स्प्लिट कर दिया और ये वीडियो मैंने डिलीट कर दी, और दूसरी वाली हम लोग की जो वीडियो ये है, ये इस तरह की वीडियो बन गई, है ना, ये देखो आप पूरी वीडियो देखो आप, ये ऐसे गया, दोनों साथ में गया, देखो बन गया ना वीडियो। उसके बाद मुझे इतनी वीडियो चाहिए थी, इतनी वीडियो, फिर दूसरी वीडियो मैंने इस तरह बनाई थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। बाद हम लोग की जो थर्ड वाली वीडियो आती है इस टाइप की, यहाँ पर हम लोग इफेक्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, ये इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, ये इफेक्ट लगा सकते हैं, मैंने ये इफेक्ट लगाया। ये इफेक्ट आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप नेट ऑन रखोगे, और नेट ऑन करने के बाद आप वीपीएन कनेक्ट करना जरूर भूलना, मत भूलना, ठीक है, वीपीएन ज़रूर कनेक्ट कर लेना, तभी आपको ये सब मिलेंगे, नहीं तो नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाएगा, ठीक है, तो वीपीएन ज़रूर याद करके ऑन कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये अलग कर लिया है, ठीक है, इस टाइप का, तो आप देखो ये, ठीक है, इस टाइप की मेरी आ गई वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं आप कलर ग्रेडिंग, ठीक है। कलर ग्रेडिंग में है कि इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन होगा, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, ब्राइटनेस लो कर लिए, कंट्रास्ट आगे कर लिए थोड़ा, और सेचुरेशन भी आगे कर लिए थोड़ा, तो थोड़ा इस टाइप की वीडियो आ गई, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है थोड़ा, ठीक है। और ये इस अप्लाई टू ऑल कर लेंगे, तो अप्लाई टू ऑल कर लेंगे तो सब में आ जाएगा, तो सब पे अच्छा लगेगा, तो अप्लाई टू ऑल पे कर दिया, अप्लाई टू ऑल क्लिप्स हो गया, ठीक है। तो सब आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, दूसरे में देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो कितना इस अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये जो पीछे कैपकट का आता है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ये हम लोग को ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं वीडियो, हम लोग तो एकदम हाईर रेजोल्यूशन पे सेव कर लेते हैं, फ्रेम रेट एकदम सेव कर लेते हैं, कहीं जाना नहीं है आपको, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी 100% होने तक, रुकिए यहाँ पर 100% आपकी हो। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे ही मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।